नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि हमारे बहुत से प्रियजन, उन्होंने ये कहा है कि नए नए ग्रहों पर कुछ परिवर्तन होने वाला है। हालांकि आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी, ज्ञानी और ज्योतिष की प्राइमरी और बेसिक नॉलेज रखने वाले हैं, फिर भी तीन चार जो खास परिवर्तन राशियों के हो रहे हैं कुंभ राशि पर, उसका विशेष इम्पैक्ट, उसका विशेष प्रभाव क्या क्या होगा, मैं आपके समक्ष संक्षेप में बात करूंगा। आशा है आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी, ज्ञानी और ज्योतिष के प्रेमी हैं। नंबर एक, 1 मई से ही आपके केंद्र स्थान में शश योग तो नहीं बना, लेकिन केंद्र स्थान में सीक्वेंस देखिए कितना जबरदस्त है। 1 मई को बृहस्पति आपके केंद्र में आया, चतुर्थ भाव में स्थिर राशि में आया, स्टेबल। कुंभ राशि स्थिर राशि है, स्थिरता। उसके बाद 14 मई को बृहस्पति का पदार्पण सूर्य के साथ होगा, और सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी, केंद्र के स्वामी के साथ बृहस्पति के साथ युति कर रहा है। साथ ही तीसरा विश्लेषण यह है कि मालव्य योग बन रहा है 19 मई को। मालव्य योग केंद्र में जब बनता है तो चारों तरफ से खुशियां बखेरता हुआ आता है। शुक्र की छटा और कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से क्यों है, इसके पीछे कारण जानिए। क्योंकि कुंभ राशि के भाग्य स्थान का स्वामी जब केंद्र में आ जाएगा, चारों तरफ खुशियों की बौछार करेगा, अमृत तत्व बखेरने वाले बृहस्पति देव भी वहां होंगे और चंद्रमा के साथ युति करेंगे, गज केसरी योग बनाएंगे। इसी के साथ साथ नई स्थिति यह है कि 6 जून को पंचग्रही योग भी आपके केंद्र में बनेगा, जिन सब की दृष्टि आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा स्थान पर होगी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की और आपका सम्मान, और आपको राजनीतिक पद का लाभ, आपके गले में माला, चारों तरफ से आपके जो अनुयायी है कई लाख लोग आपके साथ होंगे, सम्मानित होंगे आप। और ये देखिए ऐसे समय पर बना है योग, 1 जून को आपके पराक्रम स्थान में मंगल की युति, मंगल होगा और उसका सीधी सीधी दृष्टि दशम भाव पर होगी आपके। दशम भाव आपकी सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मंत्री पद प्राप्त करेंगे, राज्यपाल बनेंगे, IAS PCS का तमगा लगाएंगे, या सेना के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, और साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं लोग कुंभ राशि वाले, उनकी स्थिति अब अगले 2-3 महीनों में अलग छटा होगी, अलग मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, राजकाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ऐसा है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। और नया चेंज क्या है, पंचग्रही योग के साथ साथ जो मालव्य योग बना है, मालव्य योग शश योग, ऐसी पोजीशन में आपके तीसरे स्थान पर मंगल मूल त्रिकोण में बैठकर त्रिखटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, अष्टम भाव में जो केतु है ये आपके पेट का रोग, गुप्त चिंताएं, अशांति, परेशानी करेगा, ये एक जीवन का हिस्सा, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा समझ करके इसके निराकरण के लिए आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि बृहस्पति जब केंद्र में आता है
और मालव योग बनाता है शुक्र, तो कई हजार दोषों को दूर करने वाला होता है। लिखा है किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, और साथ में ये भी लिखा है बेसिक पहला चैप्टर है ज्योतिष का, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दसमे अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक, अपने कुल में दीपक के समान होता है वो, लग्न में शुक्र बुध हो या केंद्र में बृहस्पति हो। अब यहाँ आपका मालवीय योग तो बन ही रहा है, पांच ग्रह आपके सामाजिक प्रतिष्ठा नौकरी व्यापार पिता का स्थान सबसे बड़ा स्थान लग्न और दशम भाव होता है, जिनके पांच ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर होगी, साथ में मंगल अपने घर को देख रहा होगा, अष्टम दृष्टि मंगल की दशम भाव पर होगी, शश योग बनाकर के शनि लगन में होगा, तो इतना बड़ा विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है कुंभ राशि के लिए। खुशियों का भंडार आपके लिए भरा रहेगा, ऐसा ग्रहों का वर्णन ग्रह बता रहे हैं। और नया वाहन खरीदने का योग, घर की साज सज्जा का सामान या नया घर खरीदने का, और इसके साथ साथ साज सज्जा घर को डेकोरेट करना, और सबसे बड़ी बात यह है आपके दशम भाव में जब मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि होगी, कई लोग बहुत सारे लोगों का समूह आपके घर पर जमा होगा, जो जिनके भोजन का इंतजाम आपको करना होगा, या अधिकांश रूप से ऐसे लोग भंडारा करते हैं, चौड़ा विशाल शरीर कड़क वाणी मान सम्मान से युक्त, और किसी भी नगर का समूह का प्रदेश का या किसी देश का भार संभालता है या राज्यपाल होता है, तो उसको लोग सम्मान करते हैं और उसके प्रति आदर सत्कार प्रदान इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अब इन लोगों के जो कुंभ लगन हो चाहे कुंभ राशि हो, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। लोग पूरा वीडियो नहीं देखते इसलिए वो इन जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा शब्द शुरू में बोलना है या लास्ट में, हम इतने बड़े प्रोफेशनल नहीं है, हमें तो अपनी बात कुंभ राशि की भले के लिए जो जो घटनाएं घटित हो रही है या ग्रहों का परिवर्तन उनको बताना है आपके समक्ष। अब आपकी जो महादशाएं हैं, धनिष्ठा सत विषा पूर्वा भाद्रपद, धनिष्ठा लास्ट के दो चरण, सत विषा चारों चरण, और धनिष्ठा और सत विषा और पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद के तीन चरण, तीन चार सात और दोनों नौ चरणों का जो महादशाओं का फल है वो बहुत महत्व रखता है। अगर आपकी महादशाओं में ये समझिए बृहस्पति की दशा से आप कैरियर शुरू कीजिए, कुंभ राशि का बृहस्पति शनि, शनि की महादशा कुंभ राशि की चल रही है तो समझ लो वो राजा है, और कुंभ लगन होगा या कुंभ राशि होगी तो राजा, भले ही साढ़े साथ ही चल रही हो ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि शनि पक्षपात करता है अपनी राशि पर, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहीं अष्टम भाव में मंगल शनि राहु बृहस्पति शनि है तो दीर्घायु योग 100 साल की उम्र करता है, लेकिन अगर पाप ग्रह है मंगल है या गोचर में कोई और ग्रह अंतर प्रत्यंतर है तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन शनि की दशा आपको राजाओं के समान सुख देती है, और बुध की महादशा भी आपके लिए ज्ञान तो जरूर देगी, खूब देगी, अनिष्ट की आशंकाएं डर जरूर लगा रहेगा कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए। केतु की दशा इन्फेक्शन करती है, शुक्र की महादशा अगर जिन कुंभ राशि वालों की चल रही है वो राजाओं के समान अब सुख प्राप्त करेंगे, लिख लो कागज पर और उसका सुख का उपभोग करोगे। ऐसे समय पर जब किसी की बात बिगड़ जाती है तो बोलता है जी मेरा तो ठीक नहीं हो रहा मामला,
और जिसका ठीक ठाक है वो चुपचाप सुख का आनंद लेता है, वो कभी ये नहीं कहता पंडित जी आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं मैं बहुत सुखी हूं। उन शुक्र की दशा वालों का आज क्या चल रहा है, सोना खरीद रहे, चांदी प्रॉपर्टी, कई फैक्ट्रियां बना रहे, उनको ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इसीलिए वीडियो कौन देखता है, जो दुखी आत्मा है बेचारा, परेशान है, जिसके काम में रुकावट आ गई है, उसको देखने की जरूरत पड़ती है कि यार देख लेते हैं कहीं कोई पंडित अच्छी बात बताएगा हमारे मतलब की। तो शुक्र की महादशा वाले ये वीडियो नहीं देखेंगे, कुंभ राशि वाले खासतौर से, क्योंकि उनकी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, सूर्य दशा ठीक रहेगी, चंद्र दशा में हल्की हल्की बीमारी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड, चेस्ट की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डस्ट से एलर्जी, इन्फेक्शन की संभावना। मंगल दशा राजयोग कारक, बहुत उन्नति कारक होती है। ये कुंभ लगन कुंभ राशि की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद राहु, इस प्रकार से आगे जो सारी दशाएं हैं अच्छा फल प्रदान करती हैं। बृहस्पति की दशा आपके लिए बाल्यावस्था में निकल जाती है, खास तौर से धनिष्ठा और सतविषा वालों की। सतविषा नक्षत्र का जो बृहस्पति का फल है वो भी अच्छा फल देता है। तो सबकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।